बात होगी 1942 की। संगीतकार हरि प्रसन्न दास अपनी फिल्म कादंबरी के गीत की रिकॉर्डिंग करने वाले थे। गीत के बोल थे, किसने बुलाया है मुझे। इस गीत को आवाज देने वाली थी राजकुमारी और शांता आप्टे। शांता आप्टे उस जमाने की बहुत बड़ी स्टार थी, मशहूर थी और अक्सर शाम को ही रिकॉर्डिंग किया करती थी। उन्हें शक था कि दिन में लोग उन्हें पहचान लेंगे और स्टूडियो के बाहर भीड़ घेर लेगी। शांता आप्टे का भाई हर रिकॉर्डिंग पर शांता के साथ आता था और रिकॉर्डिंग के वक्त सभी आउटसाइडर्स को बाहर निकाल देता था। उस दिन राजकुमारी आईं तो उनके पिता भी उनके साथ आ गए। शांता आप्टे के भाई ने राजकुमारी के पिता को भी बाहर निकल जाने को कहा। राजकुमारी ने इस बात का विरोध किया और तर्क भी दे डाला कि बाहरी आदमी तो शांता आप्टे का भाई भी हुआ। झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ा कि राजकुमारी रिकॉर्डिंग छोड़कर चली गई और कसम खा ली कि कभी शांता आप्टे के साथ कोई गाना नहीं गाएंगी। रिकॉर्डिंग टल गई। हरि प्रसन्न को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार फैसला हुआ कि ये गीत शांता आप्टे और राजकुमारी दोनों अलग अलग गाएंगी। इस तरह गाना रिकॉर्ड हुआ और फिल्म में इस गाने के दो वर्जन भी रखे गए, एक शांता आप्टे की आवाज में, दूसरा राजकुमारी की आवाज में। मगर राजकुमारी ने उसके बाद शांता आप्टे के साथ कभी काम नहीं किया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।